नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक स्थान नीचे फिसला भारत और कल देश का बच्चा बच्चा भुगतेगा इस दिक्कत को। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अगर रक्षा बजट की बात करें, डिफेंस बजट की बात करें, तो भारत चौथे नंबर पर आ गया है। जी हाँ, तीसरे नंबर से फिसलकर चौथे नंबर पर आ गया है। रशिया ने अपने डिफेंस बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है, 109 बिलियन की। भारत ने जो किया है 83.6 बिलियन, वो भी इमरजेंसी फंड मिलाकर। जी हाँ, अब भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्र और भारत की कंडीशन अगर आप देखें, तो भारत का रक्षा बजट लगभग 150 बिलियन होना चाहिए था, लगभग 150 बिलियन होना चाहिए था। जिस तरह की भारत की कंडीशन है, जिस तरह से भारत के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, जिस तरह से भारत बॉर्डर शेयर करता है और जिस तरह से भारत की महत्वाकांक्षा है, उस तरह से कम भारत का रक्षा बजट जो है 150 बिलियन का होना चाहिए था। लेकिन भारत का रक्षा बजट अगर हम बात करें 63 बिलियन था। उसके बाद चीन ने घुसपैठ करना शुरू किया, पाकिस्तान ने भी एग्रेसिवली लिया कई सारी चीज़ें। उसे देखते हुए जब सेना ने डिफेंस बजट में कुछ और बढ़ोतरी की मांग करी, अचानक से वहाँ पर इमरजेंसी फंड की मांग करी, तो जाकर 83 बिलियन पर हम पहुँचे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए, जीडीपी हमारी रशिया से बड़ी है, सब चीज़ों में हम आगे निकल रहे हैं, तो क्या हम 150 बिलियन डॉलर नहीं कर सकते? अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि रूस जैसा देश जो युद्ध झेल रहा है और पिछले 3 सालों से युद्ध कर रहा है, वो भी अपने रक्षा बजट में इतनी बड़ी बढ़ोतरी कर रहा है, तो भारत क्यों नहीं कर पा रहा? भारत के सामने क्या समस्या है? क्या समस्या मोदी है? क्या समस्या बीजेपी है? कि या समस्या सरकार है? या समस्या कुछ और है? आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। देखिए, रक्षा बजट जो होता है, उस रक्षा बजट में सैनिकों की सैलरी, जो पुराने सैनिक हैं उनकी तनख्वाह, उनकी फैमिली के लिए जो इंश्योरेंस होते हैं वो, और कई सारी फैसिलिटी को बियर करता है रक्षा बजट। ऐसा नहीं है कि रक्षा बजट से सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदे जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो सैनिक हैं, वो रिटायर्ड सैनिक भी बहुत हैं और उनके लिए पेंशन भी जाती है। उससे अलग पेंशनधारी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। साथ के साथ ये कहते हैं हम कि जनसंख्या हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड का सेकंड, इवन अब तो फर्स्ट हो गया है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया है भारत। अब इसी बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सरकार क्या कर सकती है, ये आप कमेंट्स कीजिएगा। सरकार एक लिमिटेड रिसोर्स पैदा कर सकती है, सरकार लिमिटेड फैसिलिटी दे सकती है, क्योंकि इतने बड़े देश को और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना और आगे लेकर चलना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, अभी इलेक्शन है, आप चाहे तो सरकार बदल के देख सकते हैं, कि क्या आने वाली सरकार, वो कोई भी सरकार हो, इस काम को कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली ये काम इतना आसान नहीं है। जनसंख्या बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। अब बेरोजगारी को दूर करने के लिए पैसा ही लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, कंपनियां खड़ी करनी होती हैं, नई नई योजनाएं चलानी होती हैं, उन सब में पैसा लगता है। इसलिए हमारा डिफेंस बजट भी कम है। हमारी ज़रूरतों को देखते हुए डिफेंस बजट हमारा अच्छा होना चाहिए था, और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। पाकिस्तान हमसे खिलाफ़ है, चीन हमसे खिलाफ़ है, कनाडा हमसे खिलाफ़ है, इधर मोईजी जो मालदीव के हैं वो हमसे खिलाफ़ हैं, इधर बांग्लादेश, साथ के साथ श्रीलंका, मतलब कहीं ना कहीं मतभेद बनते जा रहे हैं। और ऐसे में एक देश फ़ायदा भी उठाता जा रहा है, जिसे आप चीन के नाम से जानते हैं, उसका रक्षा बजट हमेशा से भारत से ज़्यादा रहा है। लेकिन इस बार जो रशिया ने किया है, हालांकि वो किसी कंपटीशन के लिए नहीं, लेकिन उसने अपने देश के लिए इतना बड़ा रक्षा बजट किया है कि भारत को, जो भारत पिछले काफ़ी समय से तीसरे नंबर पर रक्षा बजट में आता था, इस बार चौथे नंबर पर धकेल दिया है। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग हैं, आप लोग हैं, और इस वक्त मौका भी अच्छा है। चाहे तो आप सरकार बदल सकते हैं, चाहे तो आप यही सरकार रख सकते हैं। मैं ना किसी के अगेंस्ट हूँ, ना किसी के फेवर में हूँ, सिर्फ आपकी राय यहाँ से जानना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या इतनी बड़ी जनसंख्या के कोई दूसरी सरकार आकर संभाल सकती है? क्या दूसरी सरकार आते ही ऐसा कर देगी कि नहीं, हम 63 बिलियन नहीं, पूरा 150 बिलियन का यहाँ पे रक्षा बजट करते हैं? क्या इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ में सरकार ये कह सकती है कि नहीं, हम सबको यहाँ पर हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है।
ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जनसंख्या अनलिमिटेड होती जा रही है। जी हाँ, इसमें कहीं ना कहीं हम और आप भी दोषी हैं। कहीं ना कहीं मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम या किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये हर जाति में होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी इसके लिए जवाबदेही हैं जिनके पास 8-8, 10-10 बच्चे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की भी जवाबदेही है, बाद में कहते हैं रोज़गार नहीं है। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए या सरकार क्या कर सकती है जब लिमिटेड रिसोर्स है। हालांकि भारत बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, हर जगह आगे निकल रहा है, लेकिन कई सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं जिसमें बोलने लायक हम नहीं रह जाते। उसमें से ये है कि तुर्की जैसा छोटा देश अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लेता है, हम अभी प्रोटोटाइप पे ही पड़े हुए हैं। दिक्कत फिर से आ जाती है कि बजट नहीं है, तुर्की जैसा देश 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना के तैयार कर देता है और कहता है कि पाकिस्तान को भी देंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत रशिया के साथ में मिलकर जो काम करने वाला था उसके लिए भी डिनाई कर चुका है भारत। खैर, वो भारत की एक वहाँ पे अकलमंदी ही कहेंगे, क्योंकि रशिया के साथ में रशिया जो भी हथियार बनाता है उसे भारत को तो देता है, लेकिन चीन को भी देता है। तो ऐसे में भारत की एज ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। तो भारत को अपना खुद का एमका बनाना ही ज़्यादा ठीक है। ऐसे में भारत को भी यही चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके करें। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिश पर्याप्त नहीं है। कई सारी जगहों पर अच्छे अच्छे घोटाले भी निकल के आ रहे हैं, कई सारी जगहों पर अच्छे अच्छे ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी आपके पास मौका है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, कहीं पे बता रहे हैं तानाशाही चल रही है, कहीं पे बता रहे हैं हिंदुस्तान खतरे में है, कहीं पे बता रहे हैं कि देश की जनता खतरे में है, कहीं पे कुछ। ये सारी चीज़ें आप आजकल न्यूज़ पे सुन ही रहे हैं, यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं। तो अब आपके हाथ में निर्णय है, आप चाहें तो इसी सरकार को रख सकते हैं, चाहे तो सरकार को बदल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर सोचिएगा कि सरकार ये कैसी क्या काम कर रही है और पिछली सरकार ने क्या काम किया था। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपने वोट को दें। और लास्ट में जाते जाते आप कमेंट्स ज़रूर करें कि सरकार इस माहौल में क्या कर सकती है, क्या सरकार को क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। क्योंकि मैंने सारे पहलू आपके पास में खोल के रख दिए हैं कि पैसा एक लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि हम बेहिसाब उसे छाप के दे सकते हैं कि लो इसे यूज़ करो और इससे बनाओ, अपना बजट बढ़ाओ और बाकी हथियार बनाओ, खरीदो, ये सारी चीज़ें लिमिटेड है वो। और ज़रूरतें अनलिमिटेड होती जा रही हैं जनसंख्या के कारण, बहुत सारे लोगों के कारण, बहुत सारी स्कीम्स के कारण, पेंशन के कारण। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा, कहीं ना कहीं देश के आगे आती हैं, क्योंकि देश की जनता को भी साथ लेके चलना है। खैर, आपका क्या निर्णय है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो उसके लिए दिल से क्षमा चाहते हैं।